Hello guys, once again welcome back to my channel. Welcome back to another gameplay video Minecraft. फिलहाल इस सीरीज में ये I think पार्ट है gameplay सीरीज का या sixth पार्ट है, maybe I don't know, मैं कुछ भूल गया। फिलहाल आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने पास जितने villagers हैं उनको यार हम job देने वाले। जितने भी villagers यार jobless घूम रहे हैं, I guess कि मेरे इस trading hall में 5 villager है जो बिल्कुल ही jobless है। एक वहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे और 3 तो यहीं पे तुम्हें दिख ही रहा होगा और बाकी सबके पास काम है। यार इनका भी अलग ही ग्रुप है। खैर छोड़ो इन्हें, आज हम यार बेसिक से शुरुआत हमारे जो ट्रेडर होता है वो होता आर्मर। तो उससे चाहिए होता ब्लास्ट फर्नेस। अगर हम उसे ब्लास्ट फर्नेस देते हैं तो बदले में यार वो हमें कोल के बदले एमराल्ड देता है, एमराल्ड के बदले में कुछ आर्मर्स देता है एंड कभी कभार वो थोड़ा बहुत आयरन भी ले लेता है एंड फिर वो लावा बकेट देने पे भी कभी कभार एमराल्ड्स दे देता है। और फिर सेकंड नंबर पे आता है अपना बचर जिसे चाहिए होता स्मूवर। और स्मूवर देने के बाद वो बेसिकली लेता है रॉ मीट्स। तुम दोगे तैयार बदले में तुम्हें एमराल्ड देगा और एमराल्ड के बदले में तुम्हें रैबिट स्ट्यू कुक पॉक चॉप इस तरह तुम्हें कुक्ड फूड्स वो देगा तुम्हें। और ड्राइड केल्प ब्लॉक भी दोगे तो तुम्हें यहाँ एमराल्ड्स दे ही देगा वो। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आई गेस कार्टोग्राफर। थर्ड नंबर पे अपना तो कार्टोग्राफर का बेसिक काम होता है हमें पेपर के बदले एमराल्ड्स देना या एमराल्ड्स के बदले हमें एम्प्टी मैप्स से मिलेंगे। और अगर हम बदले में यार उसे कंपास देते तो बदले में वो हमें एमराल्ड दे देगा आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है। और फिर क्लेरिक, क्लेरिक को चाहिए ब्रूइंग स्टैंड जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में चोरी करके लाया था। हमने चोरी किया था ओके। तो यार वो तो मैं लेके आ गया हूँ। फिलहाल वो वीडियो यार कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी यार, 80 GB की। और फिलहाल जब मैं उसे एडिट कर रहा था तब देखता हूँ यार क्या ही करूँ यार, 80 GB का देखता बस ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है। 80 GB में ऐसा कौन सा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया मुझे खुद नहीं पता। और वीडियो का पता पता कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद ब्रूइंग स्टैंड वाले के बारे में मैंने कह दिया। और उसके बाद आता फार्मर, तो कंपोस्टर जिसके बदले में तुम जो भी कैरेट होते बीट रूट होते पोटैटो इस तरह की चीजें दोगे तो यार बदले में तुम्हें एमराल्ड्स देगा जो कि बहुत बेसिक है। फिशरमैन जिसे चाहिए होता बैरल, अगर तुम बैरल के सामने रख दो तो फिशरमैन बन जाएगा। फिश जैसे कि यार तुम फिश रख दे सकते होते रॉक सैलमन इस तरह के। और फिर उसके बाद गोल से ट्रेडिंग कर सकते हो, बदले में तुम्हें एमराल्ड देगा। स्ट्रिंग्स दे सकते और बोट्स भी आएगा दे सकते हो, मुझे नहीं पता शायद से दे भी सकते हो। फेचर जिसे चाहिए था फेचिंग टेबल, फेचिंग टेबल भी हमने बना लिया ऑलरेडी जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सिंपल था बनाना, कुछ भी यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तुम्हें नहीं लगेंगी, जो नॉर्मल चीजें चाहिए होती है वही तुम्हें लगेंगी। और फेचिंग टेबल जो कि यार जो हमारा फेचर होता है यार बेसिक लोग करता है, एमराल्ड के बदले में हमें प्रिंट देता है और कुछ वो भी दे सकता है, वो हमें क्रॉस वो भी दे सकता है, एन्चेंटेड क्रॉस वो एंड एन्चेंटेड एक्स वो भी देता है। सोच रहे हो यार क्या चीजें हमें दे सकता है। और एरो भी वो हमें ओके तो बात यार वो हमें एरोस भी दे सकता है आई गेस, ये क्या कहते थे टिप्ड एरोस आई गेस कुछ ऐसा सही लिखा हुआ था। एंड जो हमारा उसके बाद आता है लेदर वर्कर, लेदर वर्कर को चाहिए था कल्ड्रॉन। तो ओके तो कल्ड्रॉन जो अपना वर्क ट्रेडर होता है उससे हमें देना होता है लेदर, तो वो लेदर के बदले में एमराल्ड देगा, एमराल्ड के बदले में लेदर के जो आर्मर होते हैं वो हमें वो प्रोवाइड करेगा। और फिर उसके बाद वो लेदर हॉर्स आर्मर भी दे सकता है और बेसिकली वो लेदर की चीजें देंगे जैसे कि सैडल वगैरह ये सब, सैडल आई गेस पता नहीं ओके। तो यार वो सैडल वगैरह हम ये सब बहुत सारी चीजें दे सकता है। एंड जो अपना आता है नेक्स्ट होता है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन को चाहिए होता है लैक्टन जो कि बहुत इजीली बन जाता है, जो जिसके लिए तुम्हें चाहिए होगा बुक्स वगैरह ये सब चाहिए होंगी। और यार तुम्हें इजीली यार ये लाइब्रेरियन मिल जाएगा ओके। तो लाइब्रेरियन से क्या ट्रेड कर सकते हैं, पेपर के बदले में हम ट्रेड कर सकते हैं एमराल्ड एंड कुछ वो हम एन्चेंटेड बुक्स देगा जो कि यार अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और बुक के बदले में एमराल्ड्स भी दे सकता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हमें नेम टैग्स भी दे सकता है जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट है वो हमारा मैसन, तो मैसन को चाहे तो स्टोन कटर, जब हम उसे ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हमें वो क्ले के बदले देता है एमराल्ड्स एंड एमराल्ड के बदले देता है ब्रिक एंड स्टोन के बदले देता है एमराल्ड, ग्रेनाइट, एंडेसाइट, डायोराइट, एमराल्ड, नेदरराइट, नेदर क्वार्ट्स ओके। तो हमें शायद ऑब्जर्वर बनाने के लिए नेदर क्वार्ट्स चाहिए होते हैं। तो फिलहाल वो तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने नेदर पोर्टल बनाया नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ नेदर पोर्टल और जिसके थ्रू यार हम नेदर एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में मैं सोच रहा हूँ एक्सपी फार्म बना दिया जाए क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब अपने को शायद से मेंडिंग एन्चेंटमेंट मिलेगा तो एक्सपी के थ्रू हम अपना जो भी यार पिकैक्स हो गया, स्वॉर्ड हो गया, इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट सब को हम प्रिपेयर कर लेंगे इजिली। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना शेफर्ड, तो शेफर्ड को तो बेसिकली कुछ ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, उन्हें उससे तुम वुल दे दोगे, ब्राउन वुल, व्हाइट वुल, ब्लैक वुल, ग्रे वुल, इस तरह की चीजें दोगे, व्हाइट डाई, ब्लैक डाई, इस तरह के डाई तुम दोगे तो बदले में तुम्हें एमराल्ड देगा, एमराल्ड के बदले वही सारी सेम चीजें तुम्हें वो देगा। तो नॉट अ बिग डील यार, बहुत सिंपल है। और उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारा टूल स्मिथ। टूल स्मिथ कुछ आया था स्मिथिंग टेबल हमारा टूल स्मिथ यार टूल के बदले में वो हमें एमरेट्स देगा और एमरेट्स के बदले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स देगा। और यार तुम अगर उसके हाई रैंक यानी कि मास्टर रैंक पे जब वो पहुंच जाता है तो मास्टर रैंक में जब वो पहुंच जाता है जब तुमसे ट्रेड करते हो तो वो तुम्हें डायमंड्स के इक्विपमेंट्स देगा विदाउट एनी सेकंड थॉट। ओके तो फिर उसके बाद आता है वेपन स्मिथ। तो वेपन स्मिथ को चाहिए होता है ग्राइंडस्टोन और ग्राइंडस्टोन से वो बन जाता है वेपन स्मिथ। तो वेपन स्मिथ से जब हम ट्रेड करेंगे तो फूल के बदले में वो देगा हमें एमरल्ड और एमरल्ड के बदले में एक्स कुछ इस तरह के आयरन इक्विपमेंट्स एंड कुछ हमें यार वो डायमंड इक्विपमेंट्स देता है। फॉर एग्जांपल लाइक जब तुम मास्टर पहुंच जाओगे उसे ट्रेड करते करते तो वो बदले में तुम्हें देगा आयरन सॉरी डायमंड स्वॉर्ड एंड डायमंड एक्स कुछ इसी तरह के इक्विपमेंट्स देगा। वो बदले में तुम्हें बेल भी दे सकता है जब तुम अप्रेंटिस रैंक पे पहुंचोगे तब। ओके गाइस आई थिंक यही सारे ट्रेडर्स होते हैं और जो अपना वो जो लामा के साथ जाता है ट्रेडर फालतू ट्रेडर उससे अगर तुम ट्रेड नहीं करो तो ज्यादा बच्चे हो तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा बर्बाद होने वाला है। ओके गाइस यार अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पे यही सारे ट्रेडर्स हैं यार रात बहुत हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूं सो जाता हूं तो अपना जो चीज होगा जो भी काम होगा किया जाएगा। ओके गाइस इट्स डेकोरेशन टाइम। भी यार अपने पास लैंटर्न पड़े थे और यार ये जो चेन था यार मैंने उसे प्लेस कर दिया और यार लुक देखो यार क्या ही लग रहा है काफी ज्यादा डिफरेंट एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। फिलहाल देखो अपने पास और विलेजर्स नहीं है सर अपने ट्रेडिंग फॉल को यार कुछ ज्यादा ही हमें बड़ा करना पड़ेगा। और एक और चीज जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया था यार यहाँ पे देखो अपने लाइब्रेरियन को देखो अपेरेंटिस लिखा हुआ एंड अपने फार्मर को देखो नोवाइस लिखा हुआ और उसके बाद ये अपेरेंटिस। तो यार देखो अपने ये दो विलेजर है यानी कि ट्रेडर या अपेरेंटिस है। क्यों यार तुम्हें मैं इनकी रैंकिंग बता देता हूँ एक बार ये चीज मैंने तुम्हें नहीं बताया था यार जो आपका जो बेसिक विलेजर होता है यानी कि ट्रेडर होता है नोवाइस उसके बाद आता है सेकंड रैंकिंग अपेरेंटिस उसके बाद आता है जर्नीमैन और जर्नीमैन के बाद आता है तुम्हारा फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सपर्ट आई गेस मास्टर आता है। तो यही एक्सपर्ट तुम्हारा लास्ट रैंकिंग है और फिलहाल ये क्या ही लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब हमारा एक ही काम बाकी रह गया विलेजर्स पे यार काम देना। फिलहाल ये सब कुछ अंदर रखते हैं ओके गाइस। तो फिलहाल अब यहाँ पे अपना डेकोरेशन का काम खत्म होता है और फिर हमने अपने विलेजर्स को जॉब दे दिया यार अपना वो काम भी खत्म होता है मतलब यार अब हम उनसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी तक तो दो दो ही रखा है फ्यूचर पे मैं इससे ज्यादा ही रखने वाला हूँ। फिलहाल देखो अपने पास एक ही लैक टाइम है और एक ही ब्रिंग टाइम जो कि यार मुझे ठीक नहीं लगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ बाद में ही कभी मैं एक और यार लैक टाइम लेके आ जाऊंगा एक और ब्रिंग स्टैंड लेके आ जाऊंगा क्योंकि यार एक से तो काम नहीं बनने वाला। ओके गाइस फिलहाल यहाँ पे अपने डेकोरेशन का जो भी काम था और जितना भी काम था वो यहाँ पे फिनिश होता है और फिर यार अपने इस विलेजर को अपने इन विलेजर्स को जॉब देने का एक और टास्क था हमारा वो भी कम्प्लीट होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट सबको सब तरह का जॉब मिल चुका है ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर अब हमारे पास आ चुके हैं। और ये अपना लैक्टन या लैक्टन सॉरी लाइब्रेरियन चाहिए तो लैक्टन ये तो यार फ्यूचर में अपने को एक और चाहिए होगा व्यूइंग स्टैंड भी फ्यूचर में अपने को एक और चाहिए होगा। यार आज के इस वीडियो में बस नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर सर गुड बाय। तो फिलहाल एक और चीज़ मैं जाते जाते बता दे रहा हूँ और मैं कल बनाने वाला हूँ यहाँ पे इनफिनाइट एक्सपी फार्म।